ये हफे का एयरपोर्ट जाते हैं अंदर। हेलो व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। तो अभी हम हफे एयरपोर्ट पे पहुंच आए हैं और आज इतना ज़्यादा रश नहीं है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। अभी हमारी जो फ़्लाइट है वो चंगदू की तरफ है। वहाँ चंगदू में हम आपको बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाएंगे। तो अभी हम जो एयरपोर्ट है उसके अंदर दाखिल हो गए हैं। आप देख सकते हैं चाइना में तमाम एयरपोर्ट्स और ट्रेन के जो स्टेशन है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाए हुए हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिवेलप। हम जो है वो चंगदू पहुंच आए हैं और अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सबवे लेंगे। आप देख सकते हैं ये सबवे बहुत ही डिवेलप है और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ से हम अपने टिकट बाय करेंगे। हमने टिकट लिया था, अब वो उसका QR जो कोड है यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो डोर्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। हाँ भाई, अब इस कोड को मैं यहाँ पे मोबाइल पे दोबारा स्कैन कराऊंगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। किया स्कैन और ये ओपन, ये मैं अब बाहर आ गया। आप लोग अगर चाइना में हैं तो आप लोगों को कैश अपने पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनका अली पे है, वी चैट है, तो इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। अब वैसे बाहर हो चुके हैं और यहाँ पे ये फाइनेंशियल स्क्वायर है वो आप लोगों को दिखाएंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, मोस्टली लोग रात को यहाँ पर आते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है। इस ब्रिज पे आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है जहाँ पे हम खड़े हैं। इसके साइड व्यू भी बहुत खूबसूरत आ रहे हैं और रात के टाइम तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग भी हो जाती है रात के वक्त। और ये देखें आप, मोस्टली लोग जो है रात को आते हैं। अगर आप लोग चंगदू में हैं तो आप लोग रात को ज़रूर इस जगह का विज़िट करें। हम आपको इस वीडियो में चंगदू की बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस का विज़िट करवाएंगे। और ये चंगदू का जो है वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल टेनिस के लिए या बैडमिंटन के लिए बहुत से कोर्ट बने हुए हैं और पूरे चंगदू से यहाँ पे लोग आकर खेलते हैं। सुबह सुबह हमने जायंट पांडा देखने के लिए जाना था तो जिस होटल में हमने स्टे किया हुआ है वहाँ पे अभी हम नाश्ता करेंगे। ये राइस हैं और ये कुछ नूडल्स वगैरह भी रखे हुए हैं इन्होंने साथ। और यहाँ पे स्पाइसेस डिफरेंट किस्म के रखे हुए हैं, यहाँ से हम कुछ स्पाइसेस लेंगे अपने लिए।
कि यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल हैं। नाश्ता इनका बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपको जायंट पांडास वगैरह जो दिखाएंगे, जायंट पांडास जो है यहाँ पे बहुत मशहूर हैं चंगदू में। और वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर भी करना है। जगह जो है सही टॉप पे है, ये जो चंगदू सिटी है इसके सही टॉप पे बनी हुई ये जगह, बहुत खूबसूरत जगह। चंगदू दुनिया का फर्स्ट जो है वो जायंट पांडा पॉपुलेशन सेंटर है। सूरत पेंडा अभी आप देखें, ये बेम्बू खा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये करीब से तो बहुत ही लेजी होते हैं ये पेंडा। ओके, तो ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है, इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा। तो अल्लाह हाफिज़, अभी आप पेंडा को देखें और इन्जॉय करें।没关系，这还没关系，我这手机，你拍视频。等我，我结束了吗？没，现在就还不知道。不送吧，等我下去还。没事。